गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन टुडे लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द हिमालयाज ड्रेनेज सिस्टम एंड यू नो वेरी वेल इन प्रीवियस टॉपिक वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम कि ड्रेनेज सिस्टम की जो इम्पोर्टेंट टर्म्स थी वो हम लोगों ने इससे पहले वाला जो हमारा लेक्चर था उस लोग में हम लोगों ने सीखा है. ठीक है, तो यू नो वेरी वेल व्हाट इज द रिवर सिस्टम कि रिवर सिस्टम क्या होता है. यू नो वेरी वेल वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी इन द प्रीवियस लेक्चर. यस, सो देयर आर द थ्री रिवर सिस्टम इट्स फाउंड इन द हिमालयाज रीजन कि हिमालयाज का जो एरिया है उसके अंदर आपके तीन रिवर सिस्टम पाए जाते हैं. फर्स्ट इंडस रिवर वेल है, सेकंड ब्रह्मपुत्र एंड थर्ड गंगा. ठीक है, कि देयर इज द ब्रह्मपुत्र रिवर, इंडस रिवर एंड गंगा रिवर. थ्री मेजर रिवर सिस्टम आर फाउंड इन द हिमालयाज रीजन बट वी विल डिस्कस हियर ओनली इंडस रिवर सिस्टम. ठीक है, यहां हम लोग बात करने वाले हैं इंडस रिवर सिस्टम के बारे में. वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र आल्सो. सो दिस लेक्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन फ्यूचर्स. आई विल डिस्कस विद यू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन हियर. ठीक है, so be careful about it's not for only exam point of views. yes, so first we will discuss ki mind mein question aate hain sir india ke andar hamari total kitne river honge lagbhag. theek hai, kaafi time hamare mind mein question aata hai. theek hai, agar hum majorly river system ki baat kare, river system ka matlab hota hai ki koi bhi river hai aapka aur uske jo tributaries hain. theek hai, so these are the river system. ye kya hota hai, koi bhi major river aur uske tributaries. This is the river system. तो इस तरीके से जो रिवर सिस्टम है इंडिया में टोटल कितने हैं, तो आपको बता दूं मैं टोटल जो रिवर सिस्टम है इंडिया के अंदर वो कितने हैं आपके 113 रिवर सिस्टम आर फाउंड इन इंडिया. कितने हैं 113 और 113 में से आपके लार्ज, मीडियम और स्मॉल इस तरीके से हमने उसको डिवाइड किया है. जैसे कि इंडस रिवर सिस्टम, ठीक है, एंड गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ठीक है, आपका फिर जो आ जाता है यमुना रिवर सिस्टम, ठीक है, चंबल रिवर सिस्टम. इस तरीके से अगर हम कुछ मेजर मेजर बात करें तो मेजर आपके कितने रिवर सिस्टम है 14 इज द मेजर रिवर सिस्टम एंड 44 इज द मीडियम, 44 इज द मीडियम रिवर सिस्टम एंड 55 इज द स्मॉल रिवर सिस्टम. ठीक है, तो ये तीनों डाटा आपको ध्यान रखना है. तो हाउ मेनी रिवर सिस्टम इज इन इंडिया 113. ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इंडस रिवर सिस्टम. अब हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं इंडस रिवर सिस्टम के बारे में. ठीक है, यू नो वेरी वेल इंडस रिवर सिस्टम. इंडस रिवर सिस्टम, इंडस, दिस इज द इंडस रिवर एंड दीज आर द टेरिटरीज. ये क्या है उसकी टेरिटरीज, मींस उसकी हेल्पिंग रिवर. दिस इज द इंडस रिवर सिस्टम. ठीक है, आपको समझता होना होगा कि सिस्टम क्या होता है रिवर सिस्टम के, मतलब जो रिवर है उसकी जो हेल्पिंग रिवर्स हैं, रिवर और उसकी जो हेल्पिंग रिवर है वो क्या होता है, एक रिवर सिस्टम होता है आपका. ठीक है, इस चीज को समझना है. तो इंडस रिवर सिस्टम, यू नो वेरी वेल इट इज द ओल्डेस्ट रिवर सिस्टम इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड का सबसे पुराना जो रिवर सिस्टम है, यू नो वेरी वेल कि इंडस सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन इट इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड. ठीक है, एंड मॉडर्न इज ऑल्सो, कि ओल्डेस्ट तो था ही लेकिन वो एक मॉडर्न सिविलाइजेशन था जिसकी स्क्रिप्ट जो है अभी तक भी नहीं पढ़ी गई है, जिसकी स्क्रिप्ट हमने अभी तक भी नहीं पढ़ी. अगर आप उसको पढ़ना अगर हमें आ गया तो डेफिनेटली वी विल गेट ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन और भी काफी चीजें हमें मिलने वाली हैं. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट कि व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ दिस इंडस रिवर सिस्टम एंड वेयर इट्स ओरिजिन, कि ये कहाँ से निकलती है और कहाँ ये पानी डालती है. ठीक है, और इसकी जो लेंथ कितनी है, इसका जो एरिया कितना है, कहाँ कहाँ से ये जाती है, ऑल दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन वी विल डिस्कस हियर. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस कि इंडस जो रिवर सिस्टम है उसका जो टोटल लेंथ है वो कितना है. टोटल लेंथ जो है, अगर बात करूं 2900 किलोमीटर इज द टोटल लेंथ ऑफ इंडस रिवर. ठीक है, इंडस जो रिवर है उसका टोटल लेंथ कितना है आपका,
2900 किलोमीटर। बट अगर मैं बात करूं कि वो ओरिजिन कहां से होती है, ठीक है, इट्स ओरिजिन फ्रॉम द मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक कहां है? यहां पर आपका नेपाल से ऊपर जो तिब्बत एरिया है वहां पर है, कैलाश रेंज के पास में, ठीक है, मानसरोवर लेक। और यहां पर एक ग्लेशियर है, यहां पर एक ग्लेशियर है और उस ग्लेशियर का जो नाम है बोखरचो। बोखरचो इज द ग्लेशियर। वहां से क्या है आपकी ये रिवर ओरिजिन होती है। लेंथ हमने पढ़ा, टोटल लेंथ कितना है 2900, ठीक है। आफ्टर दिस कि ये कहां से एंटर होती हुई, यहां से वो जम्मू कश्मीर में क्या करती है, एंटर करती है बहती हुई, ठीक है। और जम्मू कश्मीर में एंटर करने के बाद में वो आपकी फॉलो होती है जो जास्कर और लद्दाख जो रेंज है, जास्कर एंड लद्दाख टू माउंटेन रेंज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इन द फिजिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया। उसमें हम लोगों ने बात करी थी जास्कर रेंज और लद्दाख की, उन दोनों वैलीज के बीच में से क्या करती है वो बहती है। एंड आफ्टर एंटर्ड इन टू द पाकिस्तान, और बाद में कहां चली जाती है वो पाकिस्तान के अंदर चली जाती है। और पाकिस्तान के अंदर एक फर्टिल एरिया, जिस तरीके से गंगा रिवर सिस्टम क्या करती है हमारे एरिया के अंदर नॉर्थन प्लेन एरिया बनाया हुआ, उसने फर्टिल एरिया क्रिएट किया हुआ है, उसी तरह पाकिस्तान के अंदर एक नॉर्थन प्लेन की तरह एक फर्टिल प्लेन एरिया क्रिएट करती है कौन, इंडस रिवर, ठीक है। और अपना जो पानी है वो कहां फीड कर देती है बाद में, वो अरेबियन सी के अंदर। और यहाँ पर जो बिल्कुल कोने पे जो एक सिटी है, यहाँ पर कौन सा है आपका कराची सिटी, कौन सा सिटी है, कराची सिटी इज ऑल्सो लोकेटेड हियर, ठीक है, वो चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि इंडिया के अंदर टोटल लेंथ कितना, कहा सर यहां से ये ओरिजिन होती है और इंडिया के अंदर तो थोड़ा सा ही पार्ट नजर आ रहा है हमें, ठीक है, थोड़ा सा ही पार्ट, बाकी वो क्या है आपकी पाकिस्तान के अंदर एंटर कर जाती है, तो मोस्टली पार्ट तो हमें पाकिस्तान के अंदर दिखाई दे रहा है इस रिवर का, ठीक है। तो इंडिया के अंदर इसकी जो लेंथ है, इंडिया में जो लेंथ है वो कितनी है, 1114 किलोमीटर, नियर बाय 1/3 पार्ट, ठीक है। तो इंडिया में जो लेंथ है वो कितना है आपका 1114 किलोमीटर, जो इंडिया में जम्मू कश्मीर के अंदर जो फॉलो होती है वो कितना है आपका ओनली 1/3 पार्ट, ठीक है। तो मोस्टली जो है वो पाकिस्तान के अंदर फॉलो होती है। अब बात करो कि इसका टोटल एरिया कितना है, टोटल एरिया मतलब इसी कितने एरिया में बहती है, टोटल एरिया जो जहां जहां से कवर अप करती है, तो इसका टोटल जो एरिया है वो कितना है आपका 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, ध्यान रखना है 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर टोटल एरिया ऑफ द इंडस रिवर, ठीक है, जो इंडस रिवर है आपका उसका टोटल एरिया कितना है आपका 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर। बट अगर मैं इंडिया की बात करूं कि इंडिया में टोटल एरिया कितना है उसका, यस, इंडिया के अंदर टोटल एरिया कितना है, इंडिया के अंदर जो टोटल एरिया है वो है आपका 3,21,289 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। कि आपका जो इंडिया है उसके अंदर जो लेंथ थी वो है आपका 1,114 किलोमीटर, और उसके अंदर जो टोटल एरिया है आपका वो कितना है आपका 3 लाख, देखो 11 लाख में से 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया सिर्फ इंडिया में बहता है, बाकी सारा पाकिस्तान के अंदर वो नदी फॉलो होती है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं, ये तो हुआ हमारा टोटल एरिया एंड अदर काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। इसके बाद में हम अगर बात करें कि भाई इसकी जो हेल्पिंग रिवर है, ठीक है, इसकी जो हेल्पिंग रिवर है, देखिए इसके राइट बैंक से अगर मैं बात करूं, इट मीन्स ये जैसे ये ऐसे फ्लो हो रही है रिवर, ठीक है, अगर इसके राइट बैंक से बात करता हूं कि ऊपर की साइड से जम्मू कश्मीर में ऊपर की साइड से सबसे इंपॉर्टेंट जो रिवर है वो कौन सी है, स्योक, हुंजा, ठीक है, स्योक, हुंजा और नुब्रा, दीज थ्री मेजर रिवर्स आर फाउंड इन द फ्रॉम द राइट बैंक, कि राइट बैंक से वो क्या करती है इसके अंदर पानी डालती हैं। और आगे चल करके मेजर जो है आपके झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, व्यास, वो रिवर क्या करते हैं इसके अंदर मिलती हैं, वन बाय वन वी विल डिस्कस हियर, जैसे आप मैप के अंदर देख पा रहे हैं, ठीक है, कि बाकी जो है उसकी टेरिटरीज है वो क्या है उसके अंदर पानी डाल रही है, फीड कर रही है, ठीक है। तो इंडस रिवर के बारे में बाद में हम लोग जो बात करने वाले हैं इसके अंदर, वो बात करने वाले हैं झेलम की, किसकी, झेलम नदी की, ठीक है।
ठीक है, झेलम यू नो दिस इज द सेकेंड मोस्ट, झेलम जो है यहां से आपके सेकेंड मोस्ट जो रिवर है यहां से, ठीक है, कि इंडस रिवर के बाद में सेकेंड जो रिवर आती है वो आपकी आती है झेलम रिवर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ झेलम, कि झेलम की जो लेंथ है वो टोटल कितनी है आपकी, वो है 725 किलोमीटर, ठीक है 725 किलोमीटर। बट अगर मैं बात करूं, देखिए यहां से ओरिजिन होने के बाद में वो कहां पाकिस्तान के अंदर एंटर हो रही है, टोटल लेंथ बताइए मैंने 725 किलोमीटर, ठीक है। इंडिया के अंदर कितना है इसका लेंथ, इंडिया में कितना है, इंडिया में है आपका 221 किलोमीटर, इंडिया में टोटल लेंथ कितना है आपका 221 किलोमीटर ओनली, ठीक है 221 किलोमीटर इंडिया के अंदर, तो इंडिया में तो लेंथ थोड़ा ही है इसका, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये जो रिवर है वो कहां से ओरिजिन होती है, ओरिजिन होती है जम्मू कश्मीर के अंदर एक जगह है यहां पर वेरीनाड, ठीक है जम्मू कश्मीर के अंदर एक जगह है वेरीनाड, वेरीनाड जो एक जगह है वहां से ओरिजिन होती है, और वहां से फिर ये क्या है वुलर लेक के अंदर, जम्मू कश्मीर में एक मीठे पानी के लेक है फ्रेश वाटर लेक, ध्यान रखना है फ्रेश वाटर लेक कौन सी है वुलर लेक, और वुलर लेक के अंदर क्या कर देती है ये पानी को डाल देती है, वहां से फिर आगे की तरफ पाकिस्तान के अंदर ये एंटर कर जाती है, ठीक है इस चीज को ध्यान रखना आपको। तो उसके बाद में ये रिवर जो है आगे फॉलो करती हुई आप कंटिन्यूसली क्या करती है बहती रहती है, ठीक है पाकिस्तान के अंदर, और एंड में फिर क्या है वो कहां मिल जाती है इंडस रिवर के अंदर, ठीक है। इसके बाद में सेकंड अगर मैं बात करूं इसके बाद की जो रिवर है इंपोर्टेंट जो रिवर है इसके बाद में वो आती है आपकी चेनाब रिवर, कौन सी रिवर चेनाब रिवर, ठीक है। तो थर्ड जो है चेनाब रिवर इज द थर्ड रिवर, ठीक है। तीसरी जो टेरिटरी है किसकी आपकी इंडस रिवर की, इंडस रिवर जो है उसकी थर्ड जो टेरिटरीज है वो आपकी चेनाब रिवर। अब चेनाब रिवर जो है वो टू रिवर से मिलकर बनती है, चेनाब रिवर जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर दो रिवर के मिलने से बनती है, वो आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी रिवर है वो दो, ठीक है कौन कौन सी रिवर है और उनकी लेंथ कितनी है वो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। देखिए एक तो है यहां से हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर चंद्र और भागा, ठीक है चंद्र और भागा टू रिवर्स आर देयर, चंद्र और भागा, ठीक है दो रिवर क्या करती हैं मिलकर के आपकी एक रिवर बनाती हैं जिसको हम बोलते हैं चेनाब, जिसको क्या बोलते हैं चेनाब, ठीक है। चेनाब रिवर जो है वो सेम फॉलो करती है आपकी और एंटर इनटू द पाकिस्तान, पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। देखिए जहां पर हमने कहा था कि झेलम रिवर इज ऑल्सो कमिंग हियर, झेलम रिवर भी क्या है ऊपर से आ रही है, चेनाब एंटर इनटू हियर, चेनाब यहां से एंटर करके, तब दोनों जो है एक जगह पे मिल जाती है, दोनों कौन कौन सी झेलम और चेनाब दोनों आपस में एक पॉइंट को मिल जाती है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं झुंग, क्या बोलते हैं झुंग बोलते हैं, ठीक है उस चीज को ध्यान रखना है। एक पॉइंट है जहां पर दोनों रिवर क्या करती हैं आपस में मिलती हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं झुंग बोलते हैं, ठीक है दिस इज द थर्ड रिवर, ठीक है। पांच नदियां बात करने वाले हैं फाइव रिवर्स की, जो इंडस रिवर है उसकी जो हेल्पिंग रिवर टेरिटरी फाइव है, फाइव के बारे में बात करने वाले, दिस इज द थर्ड रिवर, ठीक है ये आपको ध्यान रखना है। सो व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ दिस रिवर, इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है 431 किलोमीटर, ठीक है 431 किलोमीटर इज द लेंथ ऑफ चंबल रिवर। अगर मैं इसकी इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर जो ये लेंथ है ये है आपकी 431, लेकिन टोटल जो लेंथ है वो कितनी है आपकी, वो है आपकी 960 किलोमीटर, ठीक है टोटल लेंथ कितना है 960 किलोमीटर इज द टोटल लेंथ, और इंडिया के अंदर कितना है आपका 431 किलोमीटर इंडिया के अंदर फॉलो करती है ये, ठीक है। और दो रिवर के मिलने से बनी है चंद्र और भागा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है हिमाचल प्रदेश से ये ओरिजिन होती है, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं कि नेक्स्ट रिवर की, तो वो आपकी आती है रावी, ठीक है रावी इज द
फोर्थ रिवर, जो फोर्थ रिवर आपकी वो है रावी, एंड रावी यू कैन सी हियर, यहां से आप देख सकते हैं दिस इज द रावी, ठीक है, ये रावी नदी है। इसका जो टोटल लेंथ है, इसका जो टोटल लेंथ है वो है 720 किलोमीटर। कितना है? 720 किलोमीटर टोटल लेंथ है। अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया में कितना है? 258 किलोमीटर। इंडिया में कितना है? 258 किलोमीटर इंडिया के अंदर, ठीक है। तो इंडिया में लेंथ कमी है 258, बट इसका टोटल लेंथ कितना है? 720 किलोमीटर। कहां से निकलती है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से। कहां से निकलती है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से, हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से ये क्या करती है? निकलती है। और फिर क्या है इसमें आपका, एक इसके ऊपर एक डैम बनाया गया है, डैम जो उसको ध्यान रखना है, रणजीत सागर डैम। कौन सा? रणजीत सागर डैम जो है इसके ऊपर आपकी बनाया गया है। किस रिवर के ऊपर? रावी रिवर के ऊपर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये भी क्या है आगे, फिर आपकी इसमें जो झेलम और चेनाब रिवर है उन्हीं के अंदर क्या कर देती है? पानी को फीड कर देती है, उसमें मिल जाती है पाकिस्तान के अंदर जाकर के, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक चीज और था कि जो चेनाब रिवर थी आपके, चेनाब रिवर के ऊपर एक सलाल डैम है। यहाँ चेनाब रिवर जो थी आपकी ये वाली, इसके ऊपर एक डैम बनाया गया है। कौन सा? सलाल डैम। उस चीज को आपको ध्यान रखना है, चीज को, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं सतलुज, जो फिफ्थ रिवर है आपकी, फिफ्थ रिवर यू कैन सी हियर कि सतलुज इज ओरिजिन फ्रॉम द राक्षस ताल। कहां से? राक्षस ताल, फ्रॉम मानसरोवर लेक, जहां से इंडस आपकी ओरिजिन हुई थी, जहां से इंडस ओरिजिन हुई थी वहीं से क्या है आपकी, कौन सी ओरिजिन हो रही है? सतलुज रिवर, ठीक है। सतलुज रिवर ओरिजिन फ्रॉम द राक्षस ताल हियर नियर टू द मानसरोवर लेक, ठीक है। और एंटर्ड इन टू द हिमाचल प्रदेश, यहां से होती हुई आपके पाकिस्तान के अंदर वो चली जाती है, ठीक है। तो इसका जो जो सतलुज रिवर है, इसका जो टोटल लेंथ है आपका, सतलुज रिवर का जो टोटल लेंथ है वो कितना है? वो है आपका 1529 किलोमीटर, ठीक है। कि 1529 किलोमीटर इज द टोटल लेंथ ऑफ सतलुज रिवर। बट व्हाट इज द लेंथ ऑफ सतलुज रिवर इन इंडिया? इंडिया के अंदर इसका टोटल लेंथ कितना है? इंडिया के अंदर जो टोटल लेंथ है वो आपका 6507 किलोमीटर ओनली, ठीक है। 6507 किलोमीटर इज ओनली द लेंथ ऑफ सतलुज इन इंडिया, ठीक है। तो कम ही है लेंथ, बट इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है आपको वो ध्यान रखना कि भाखड़ा डैम, हाईएस्ट डैम इन इंडिया, ठीक है, कि वर्ल्ड का जो हाईएस्ट डैम है वो आपका जो भाखड़ा डैम है वो कहाँ है? आपका इसी नदी के ऊपर है, यहाँ पर देखिए, ये रिवर यहाँ से ओरिजिन होती हुई और यहाँ से आपकी इन्हीं रिवर में मिल जाती है, ठीक है। और यहाँ पर एक डैम बनाया गया है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस डैम? भाखड़ा डैम, ठीक है। भाखड़ा डैम जो है वो आपका हाईएस्ट डैम जो है वो क्या लगता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। किस रिवर के ऊपर है वो? सतलुज रिवर पे। लेंथ कितना है? 1529 किलोमीटर। इंडिया में टोटल लेंथ कितना है? 657 किलोमीटर, ठीक है। ये चीजें कुछ पॉइंट आपको इसके अंदर ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट रिवर आती है आपकी, ब्यास, ठीक है। ब्यास इज द फिफ्थ रिवर, ठीक। देखिए यहां पर एक छोटी सी नदी है, किसकी? आपकी यहां से ओरिजिन होती है और यहीं मिल जाती है, ठीक है। और इसका जो लेंथ है वो टोटल कितना है आपका? 493 किलोमीटर, ठीक है। 493 किलोमीटर इज द टोटल लेंथ, ठीक है। और कहां है ऐसे ओरिजिन होती है ये आपकी? ब्यास कुंड से, हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है ब्यास कुंड एक जगह है, वहां से क्या होती है? ओरिजिन होती है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ब्यास कुंड से ओरिजिन होती है और टोटल लेंथ है 493। और इसके ऊपर एक डैम बनाया गया है, डैम। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस डैम? इस डैम का जो नाम है वो है, क्या नाम है इस डैम का? हरी के बैराज,
ठीक है। इस डैम को क्या बोलते हैं, हरि के बैराज बोलते हैं। ओरिजिन कहाँ से होती है, ब्यास कुंड से होती है। हिमाचल प्रदेश में एक जगह है ब्यास कुंड, वहां से ये ओरिजिन होती है, ठीक है। किसके अंदर मिल जाती है वापस, ये सतलुज रिवर के अंदर अपना पानी फीड कर देती है, ठीक है, डाल देती है। लेंथ कितना है, 493 किलोमीटर, दिस इज द लेंथ, ठीक है। इसके बाद में इसके ऊपर जो डैम बनाया गया है, व्हाट इज द नेम, हरि के बैराज, ठीक है, दिस इज द। अब हरि के बैराज जो है, यहां से हरि के जो बैराज है, यहां से एक आपकी रिवर कैनाल निकाली गई, सॉरी, ठीक है, कैनाल निकाली गई है, और कैनाल निकाली है, उस कैनाल को क्या बोलते हैं, इंदिरा गांधी कैनाल, क्या बोलते हैं, इंदिरा गांधी कैनाल, ठीक है। और इसका जो टोटल लेंथ है, इंदिरा गांधी कैनाल का टोटल लेंथ, वो कितना है, 649 किलोमीटर की, इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट कैनाल जिसको बोलते हैं हम, इंडिया की जो सबसे लॉन्गेस्ट कैनाल है वो कौन सी है, वो है आपकी इंदिरा गांधी कैनाल। अब ये है कहाँ पर, इंदिरा गांधी कैनाल, आपको ये चीज पता होनी चाहिए, कहाँ है ये, राजस्थान के अंदर, ठीक है, कहाँ है ये, राजस्थान के अंदर, इंदिरा गांधी कैनाल का, देखिए आप लोगों को पता होगा कहाँ से निकाली गई है, हरि के बैराज डैम से। किस रिवर के ऊपर है ये, जहां पर आपकी व्यास और सतलुज रिवर मिलती हैं, वहां से एक कैनाल निकाली गई है राजस्थान के अंदर, और इस कैनाल को बोलते हैं हम इंदिरा गांधी कैनाल। इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी थी, 649 किलोमीटर, दिस इज द लेंथ ऑफ द इंदिरा गांधी कैनाल, ठीक है। तो दिस इज द लॉन्गेस्ट कैनाल इन इंडिया, भारत के सबसे लॉन्गेस्ट कैनाल है, ठीक है। अब जब ये सभी ये रिवर जहां से मिलती है पाकिस्तान के अंदर, जो इंडस रिवर ऊपर से आ रही थी पाकिस्तान के अंदर, यहां से जाकर के ये रिवर क्या है, मिल जाती है इसके अंदर, ठीक है। तो इसको हम, यहाँ पर एक जगह है मिथानकोट, ध्यान रखना कि काफी टाइम क्वेश्चन आ जाता है कि भाई आपकी जो इंडस रिवर है वो पाकिस्तान के अंदर, जो इंडस रिवर है और जो सतलुज रिवर है वो दोनों कहाँ मिलते हैं, उस प्लेस के जगह का नाम बताइए आप हमें। तो उस जगह का जो नाम है वो कौन सा है, मिथानकोट, कौन सा है, मिथानकोट, ठीक है। और एंड पे फिर क्या है, ये जाकर के आपकी अरेबियन सी में वाटर को डिवाइड कर देती है, डाल देती है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ में यहाँ पाकिस्तान के अंदर, इसके अंदर कुछ रिवर और मिलती हैं, जैसे कि काबुल रिवर, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर एक और रिवर आती है राइट बैंक से, कौन सी, काबुल है, यहाँ से भी पाकिस्तान में कुछ रिवर्स आपकी मिलती हैं इसके अंदर, ठीक है। तो दीज आर द एक्स्ट्रा, वो पाकिस्तान के अंदर वो पार्ट्स, उसके अंदर मिलते हैं वो चीजें। हमारे इंडिया के अंदर जो हम लोगों ने पढ़ना था वो चीजें यही थी इम्पोर्टेंट। अब बात आती है कि यहाँ इन रिवर्स के अंदर पानी कहाँ से आता है, रिवर्स के अंदर कहाँ से आता है, कि देखिए हिमालय जो है, हिमालय जो है उसके ऊपर क्या होता है, आइस डिपॉजिट है, ठीक है, आइस डिपॉजिट होती रहती है, ठीक है। और उसका आफ्टर मेल्टिंग, कि मेल्टिंग होकर के क्या है, रिवर में पानी आपका कंटिन्यू फ्लो होता रहता है। तो दीज रिवर आता है पेरेनियल रिवर, पेरेनियल का मतलब होता है जो परमानेंट पानी रहता है जिसके अंदर, जो सीजनल होती है वो सूख जाती है टाइम में, कुछ टाइम बाद में, बट दीज आर द पेरेनियल रिवर, ठीक है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखना आप लोगों को। आफ्टर बात करते हैं हम लोग कि इंडस रिवर के बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है आपका 1960 की टेरिटरी। 1960 के अंदर एक टेरिटरी हुई थी, टेरिटरी का मतलब एक समझौता हुआ था, किसके साथ में, पाकिस्तान के साथ में, ठीक है। 1960 को आपका एक समझौता हुआ था पाकिस्तान के साथ में, और इस समझौते में हमने क्या किया था कि जो पानी है इंडस रिवर के अंदर, जितनी भी ये रिवर है आपकी, ठीक है, इंडस रिवर सिस्टम के अंदर जितनी भी रिवर्स हैं, उसके अंदर हम लोग जो पानी यूज करेंगे सिर्फ ओनली 20% यूज करेंगे। कितने परसेंट, ओनली 20%, ठीक है, 20% पानी हम लोग इसका यूज करने वाले हैं, और 80% पानी जो है पाकिस्तान के लिए छोड़ने वाले हैं हम लोग, 80% पानी हम पाकिस्तान को छोड़ देंगे। दिस इज द टेरिटरी ऑफ 1960 विद पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ में हमारा एक समझौता हुआ। कहते हैं सर फिर हम क्यों ऐसा करें कि उस समझौते को तोड़ दें, ठीक है, उसको हम डिसमिस भी कर सकते हैं। देखिए अगर हम कोई कमिटमेंट करते हैं, ठीक है, और बाद में हम उस चीज को मना कर देते हैं, तो फिर जो बाहर सराउंडिंग में जो हमारी कंट्री की जो इमेज है वो क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी,
कि भाई ये तो कमिटमेंट करते हैं उसको फॉलो तो करते नहीं है, कभी भी ये उसको डिसमिस कर देते हैं। तो एक रेपो होती है, उस चीज को मेंटेन रखने के लिए हम इस चीज को फॉलो कर रहे हैं अब तक भी, ठीक है। तो इस चीज को भी ध्यान रखना। तो दिस इज द इंडस रिवर सिस्टम, ठीक है, जो हिमालय रिवर ड्रेनेज सिस्टम है उसका एक पार्ट है। आप आज जो इंडस रिवर सिस्टम है वो हम लोगों ने पढ़ा है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं गंगा रिवर सिस्टम के बारे में, ठीक है, गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। और आफ्टर वी विल डिस्कस द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। सो आई थिंक यू गोट इट ऑल दिस पॉइंट, ठीक है, आप लोगों को सभी चीजें क्लियर हुई होगी। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल मीट अगेन। सो थैंक यू एंड टेक केयर।